जेनेटिक्स चैप्टर का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक आज हम लोग को डिस्कस करना है, पेडिग्री एनालिसिस, उसके बाद देन डिजीज, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस जो हम लोगों ने कल देखा था, सिंबॉल के बारे में देख लिया था, लिंकेज के बारे में कल सब लोगों ने पढ़ लिया था, लिंकेज कैसे होता है, क्या होता है हमारा लिंकेज पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे अच्छे से, होप सो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट हमारा है पेडिग्री एनालिसिस, उसके बाद देन डिजीज की बात करेंगे, कुछ डिजीज है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो चैप्टर को फिनिश करेंगे आज। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम लोगों ने कल सिंबॉल देखा था, देखो ध्यान से, ठीक है, आप लोग थोड़ा फोर डायग्राम बना रहे हैं, बस फोर सिंबॉल, ठीक है। ये था हमारा नॉर्मल मैन एंड मेल व फीमेल, मैन है या फिर मेल एंड फीमेल लिख दो सही रहेगा, मेल नॉर्मल मेल एंड फीमेल्स का, ठीक है। और सेकेंड था हमारा, यदि हम इसको डैश डैश कर दें तो ये क्या था हमारा, अफेक्टेड, ठीक है, ये याद रखना, अफेक्टेड मेल एंड फीमेल, चलो ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट रुकना, चलो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अफेक्टेड है मेल एंड फीमेल से, अब हमको कैसे, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंप्लीट लिंकेज का अप टू जनरेशन वाले में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम अगर जो टाइम चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब इसको पढ़ाने बैठ, मतलब आपका एक डाउट है, सबका नहीं होगा तो सबके लिए दिक्कत होगी, तो हम लोग इसका डाउट सेशन हम लोग सैटरडे को रखते हैं, ठीक है, जस्ट कुछ दिन की बात है, कल के बाद, ठीक है, नहीं तो कल हम एक बार डाउट करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर टाइम मिलता है तो आज ही मैं क्लियर कर दूंगा, चलो ठीक है। अब देखो इसमें हमारा दिया रहेगा पेडिग्री एनालिसिस में जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपको बताए थे कुछ इस तरह दिया रहेगा, देखना टेबल्स बना के बनाए थे हम, ऐसे कुछ भी दिया रहे, चलो इस तरह का आपको पेडिग्री बना के दे दिया गया, ठीक है, इस तरह के पेडिग्री देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इस तरह का पेडिग्री आपको बना के दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा, इस पेडिग्री में हम बताए थे कि कल फोर क्वेश्चन कॉमन होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव, ये चार चीजें कॉमन पूछेंगे, उसके साथ साथ राइट द जीनो टाइप, जीनो टाइप लिखना होगा, आपको जीनो टाइप पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूछा गया राइट द जीनो टाइप इन फोर्थ जनरेशन, ये फोर्थ ऑफ स्प्रिंग, फोर्थ जनरेशन इन फोर्थ ऑफ स्प्रिंग का राइट द जीनोटाइप आप बताइए, फाइंड कीजिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो पहला करना क्या है हमको, पहले तो हमको पता चल जाए कि जीन हमारा कौन सा जनरेशन है, कौन सा ऑफ स्प्रिंग है, इसके बारे में पता चल जाए तो हम काम कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप पेडिग्री देखोगे, नॉर्मल बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल हम पेडिग्री देखें तो पहला काम हमारा इसका है, ठीक है, पहला काम हम क्या करेंगे कि हम लोग प्रोजीनी बताएंगे या फिर जनरेशन पता करेंगे, ठीक है, राइट द जनरेशन, ठीक है, कि कौन से किसका जनरेशन का है, ठीक है, और दूसरा किस पेरेंटल का ऑफस्प्रिंग, ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, फाइंड द ऑफस्प्रिंग या राइट द ऑफ स्प्रिंग नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड राइट द जीनो टाइप, ठीक है, ये दो तीन चीजों पॉइंट याद रखना है, आप देखना, ठीक है, ये देखो जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, अलग मार्कर, ठीक है, जो फर्स्ट है इसमें सिर्फ हमारे दो पेरेंट्स दिए हैं, ये हमारा कौन सा जनरेशन, हमारा फर्स्ट जनरेशन, ये जो दिए हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा है सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन है हमारा, ये फोर्थ जनरेशन और ये फिफ्थ जनरेशन, यानी जो पेडिग्री हमको दी गई है वहां पे जनरेशन कितने हमारे पास, फाइव जनरेशन तक दिया गया है हमारा, 1 2 3 4 5, सब स्ट्रेट लाइन में जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं ऊपर वाले, ठीक है। अब फर्स्ट
जनरेशन में कितने ऑफ स्प्रिंग है हमारे? फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ऑफ स्प्रिंग कितने हमारे? वन एंड टू, वन एंड टू, ठीक है। यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। यहाँ पे हमारे थ्री में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन जनरेशन दिया गया, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग दिए गए हमारे। फोर्थ जनरेशन में बात करें तो वन टू थ्री फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, और फिफ्थ में वन एंड टू। ये पता चल गया हमारा कि हमारे फाइव जनरेशन में कौन सा ऑफ स्प्रिंग की बात करें हम डिसाइड कर लिए, ठीक है, कि ये फर्स्ट वाले में दो ही हमारे हैं, सेकेंड वाले में हमारे पाँच हैं, फाइव हैं, थ्री में हमारे सेवन हैं, फोर्थ में हमारे सिक्स हैं एंड फाइव में भी कितने हमारे टू ऑफ स्प्रिंग दिया गया है, ठीक है, यानी ये हमारे जनरेशन है, ठीक है। हम बताए थे कि ऐसा सिंबॉल होगा, यानी इस तरह का सिंबॉल यदि आप में प्रेजेंट है जैसे हम बोलते थे नेक्स्ट जनरेशन, इसको बोलते थे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन बोलते थे, ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन है हमारा। तो नेक्स्ट जनरेशन देखो यहाँ पे दी गया। अब ध्यान देना कि किसका ऑफस्प्रिंग है किसके पेरेंट्स दिए गए, ठीक है, किसका ऑफस्प्रिंग है किसके पेरेंट्स दिए गए, ठीक है। अब नॉर्मली देखना, जिसके जिस सर के जिस बच्चे के ऊपर पेरेंट्स के छत हैं, हाथ हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसका पेरेंट्स हैं, और जिसके नीचे अटैच है उसके में है उसके ऑफस्प्रिंग है। हमारे नीचे जो अटैच होगा उसको बोलेंगे ऑफस्प्रिंग, जिसके हाथ पे छत मतलब सर पे हाथ है जिसका, उसमें मतलब पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो ये तो है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला देखो रेड से बना रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले के ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब इसके पेरेंट्स की बात है नहीं किया, यही हमारा टॉप मोस्ट पेरेंट्स है, ठीक है। इसके नीचे एरो बना के दिए नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग देखो इसको बोलते थे नेक्स्ट जनरेशन, तो टी आकार का बनाया गया। अब इस पेरेंट्स के फर्स्ट वाले प्रोजिनी के कितने ऑफस्प्रिंग है हमारे? वन टू एंड थ्री, जो अटैच है, जिनसे अटैच है, हम बताए थे कि नीचे वाला जो अटैच होगा, जिससे अटैच है और ऊपर जिससे अटैच है, जो अटैच है वही उसके ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उसी के बच्चे हैं वो, ठीक है। यानी ये वाला फर्स्ट, ये देखो रेड से बना रहे हैं, ये और ये वाले हमारे इस ऑफस्प्रिंग के हैं। देखो ये बगल वाला जो बना रहे हैं, दूसरे पेन से बना रहे हैं, ब्लिंकिंग से, ये और ये, इसके ऊपर कोई भी छत नहीं है, इसके पेरेंट्स की बात नहीं की है, यानी ये जो मेल है, ये वाला जो मेल है, इसकी शादी फीमेल से हुई है, लेकिन उस फीमेल के पेरेंट्स की बात है नहीं की है, जो हम देखो पिंक से, ठीक है, गुलाबी कलर से हमारे जो टिक किए हैं रेड के अलग, रेड के बगल में इन दोनों को जो टिक किए हैं, इसके कोई भी ऑफस्प्रिंग की बात नहीं की, ठीक है, पेरेंट्स नहीं दिए, बट इन दोनों की शादी हुई, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, टिक कर रहे हैं, ठीक है, दो या तीन से, इसकी बात की जाए तो ये इसका पेडिग्री है, ठीक है, देखो ये है पेरेंट्स दिया, इसकी शादी हुई, दो बच्चे हुए, फिर इसकी शादी हुई, फिर इसके दो बच्चे, दो ऑफस्प्रिंग डेवलप हुए, ठीक है। उसी तरह देखना जिसके ऊपर छत, यहाँ पे देखो, ठीक है, एक अलग पेन से लेते हैं फिर हम, कि यहाँ पे बात की जा रही है, इसका कोई पेरेंट्स नहीं दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर छत नहीं है, इसके भी पेरेंट्स नहीं दिए गए हैं, इसके भी पेरेंट्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह और सबके दिए गए हैं, इसका पेरेंट्स की बात की जाए, जैसे इसका पेरेंट्स पूछा जाए, देखो हम राउंड कर रहे हैं, इसका पेरेंट्स ए और ये है, ठीक है, ए और ए वाले हैं, ठीक है, ए याद रखना, जिसके साथ जो अटैच होगा, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स हैं उसके, ठीक है, जिसके ऊपर छत नहीं है उसके पेरेंट्स नहीं है हमारे, ठीक है, और जो जिसके साथ अटैच है, जिसके साथ कनेक्ट है, वही उसका ऑफस्प्रिंग है, नीचे मतलब उसके ऑफस्प्रिंग होते जा रहे हैं, ठीक है, यदि अटैच है, यदि नहीं अटैच है तो यानी वो खुद अलग है, जिसके साथ हमारे मैरिज हुई है उसके साथ फिर ऑफस्प्रिंग है, उसके पेरेंट्स की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो पहले हमको जनरेशन पता चल गया कि ये हमारी पेडिग्री जो दी गई है कितने जनरेशन की है, फाइव जनरेशन की है, और इसमें हम ऑफस्प्रिंग पता कर लिए, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग पता करने के लिए बाद, ठीक है, हम गेस करेंगे कि ये जीनोटाइप, ये पेडिग्री कैसी है, पेडिग्री कैसी है, ठीक है। पेडिग्री या तो हो सकती है हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर दूसरा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यही हो सकता है हमारा, ये हम गेस करेंगे जीनोटाइप लिखने के बाद। जीनोटाइप वैसे लिखेंगे अभी उतार है, ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। यदि हमको ये पता चल जाए, ठीक है, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो लिखने के पहले हम लोग राइट द जीनोटाइप पता करते हैं
तीन चार होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्सलिंग डोमिनेंट एंड एक्सलिंग रिसेसिव का जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैसे हम डिनोट करेंगे कि इसका जीनोटाइप, जैसे पूछ दिया आपको कि फोर्थ जनरेशन में जो फिफ्थ वाला है उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो वैसा तो करेंगे नहीं, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, इतने पास हमारे पास टाइम नहीं होते एग्जाम में हमारे पास कि हम कि इतना टाइम ले, 5 से 10 मिनट टाइम ले एक क्वेश्चन के लिए, तब तक आपके दूसरे वाला बगल वाला बच्चा आपसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है चल, तो हम करते हैं, हम लोग जीनोटाइप लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जीनोटाइप लिख लें, जीनोटाइप का एक बताते हैं पूरा कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, राइट द जीनोटाइप्स, राइट द जीनोटाइप, जीनोटाइप लिखना है। ठीक है, तो इसके पहले आपको बताए थे क्लाउड स्टोरेज रखना माइंड में कि जो डोमिनेंट वाला है, डोमिनेंट जो है वो कैसा कैसा शो करता है हमारा, होमोजाइगस में भी और हेटरोजाइगस दोनों में शो करता है, बट रिसेसिव की बात करते हैं तो ओनली कैसा शो करता है, किस कंडीशन में शो करता है अपने आपको, ओनली फॉर होमोजाइगस कंडीशन, कैसे शो करता है अपने आपको, होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करता है, ये बताया था आपको, कल ही बताए थे। ठीक है चलो, ओनली फॉर होमोजाइगस कंडीशन में शो करेगा, ये याद रखना। अब चलो राइट द जीनोटाइप करना है, फोर्थ को जीनोटाइप लिखनी है हमको। ठीक है, दो ही देखो हमारे पास फोर सिंबल है, एक अफेक्टेड है, नॉर्मल अफेक्टेड, नॉर्मल मेल एंड फीमेल। ठीक है, क्या बना लेते हैं, ध्यान देना, ये अफेक्टेड हो गया, ये मेल हो गया और ये मेल अफेक्टेड। चलो ठीक है, पहला लिखना हमको पता करना है ऑटो सोमल डोमिनेंट, और सेकेंड यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ऑटो सोमल रिसेसिव। ठीक है, ये दोनों का पता करना हमको, जीनोटाइप लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो जब इसको सेडेड है, यानी यहाँ पे देखो ये सेडेड है, सेडेड है मतलब डिजीज हो रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, वो भी एक्सप्रेस कर रहा है, और नॉर्मल वाला अपना नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये हमारा काम करना है। ठीक है, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, पूछ रहा है डोमिनेंट, और डोमिनेंट जानते हैं हमारा करेक्टर एक्सप्रेस करता है ओनली फॉर होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। ठीक है, होमो और हेट्रो में दोनों करेगा। ठीक है, डोमिनेंट वाला, ठीक है, कैसे डोमिनेंट वाला कैसे कर सकता है, या तो कैपिटल टी हो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो, रिसेसिव वाला स्मॉल टी यानी स्मॉल में करेगा, और ये वाला कैपिटल और दोनों में करेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का जीनोटाइप लिखना है, इन चार को दिया गया है आपको सिंबल में। ठीक है, यानी जो नॉर्मल वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसका जो जीनोटाइप होगा कैसा होगा। ठीक है, जो अपने आप को अफेक्टेड है उसका हमारा जीनोटाइप, ठीक है, देखो ये हो गया हमारा सिंबल नॉर्मल। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब जो लिखें देखो यहाँ पे थोड़ा सा होगा, अभी एक समझ जाओगे सारे समझ जाओगे। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट याद है, यानी ये पूछ रहा है कि डोमिनेंट है अपना करेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इन चारों में देखो, ठीक है, जो फर्स्ट रो में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इन चारों में, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कौन कौन कर रहे हैं। ठीक है, ये कर रहा है और ये कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, यानी डिजीज है, इसको डिजीज है तभी तो एक्सप्रेस करेगा। यदि हमको डिजीज हुई और फीवर उसके सिम्टम नहीं पता चले, हम उसको डिजीज बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, कोई भी हमको बीमारी हो गई, यदि उसके सिम्टम्स हैं, पेन नहीं हो रहे हैं, फीवर्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो उसके सिम्टम्स होते हैं अपीयर नहीं हो रहे हैं, हम उसको डिजीज बोलेंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा हमको डिजीज हो रहा है जब तक हमको सिम्टम अपीयर नहीं होंगे। यानी ये सेडेड हो रहा है, यानी अपने आप को अपीयर कर रहा है, अपने आप को करेक्ट एक्सप्रेस कर रहा है, कह रहा है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, किस कंडीशन में, ऑटोसोमल डोमिनेंट के फॉर्म में। तो डोमिनेंट जानते हैं सिर्फ हमारा यही दोनों के स्टेज में, कैपिटल कैपिटल में या कैपिटल स्मॉल दोनों करते हैं हमारे, तो लिख लिए। और डोमिनेंट वाला अपने आप को कब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ओनली स्मॉल लेटर में। ठीक है, क्लियर है सबको, यस नो आंसर दें फटाफट, फिर आगे बढ़े। गुड, यस नो सब लोग बताएं, सब लोग, ठीक है, यस वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसको भी डाउट होता है क्योंकि ये आना चाहिए, हमको ये नहीं आएगा ना लिखने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड
वेरी गुड, सबको लगभग समझ में आया, ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। दूसरा बोल रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव। अब रिसेसिव वाला बोल रहा है कि रिसेसिव है, ये चारों अपने कैसे हैं, रिसेसिव फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब रिसेसिव फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। हम जानते हैं रिसेसिव सिर्फ हमारा स्मॉल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है बच्चों, उसके अलावा नहीं कर सकता। ठीक है यदि हमारा डोमिनेंट है दोनों कैपिटल कैपिटल और एक कैपिटल स्मॉल लेटर में, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन। ठीक है ये हो गया हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें, जब ये चारों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। ठीक है यदि डोमिनेंट पूछा और रिसेसिव पूछा तो नॉर्मल हो गया। यदि ये ऐसा दिया गया और हमको पेडिग्री पता चल जाए, ठीक है कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, हम किसी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप किसी भी ऑफस्प्रिंग का एनी वन किसी भी जनरेशन में हम तुरंत लिख सकते हैं फटाफट कि ये होना चाहिए। ठीक है गुड चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑटोसोमल वाला तो हो गया, अब दूसरा हमारा एक्स लिंक वाला, कुछ करना नहीं है। ठीक है देखो, ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे देख, ठीक है वही बना लेते हैं हम लोग, यहां से एक अदर लाइन खींच लेते हैं, ये सर्कल हो गया, देखो ऊपर नीचे हो जाएगा दिक्कत जाएगा। ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है हमारा, ये नॉर्मल है और ये अफेक्टेड, कोई बात नहीं। पता क्या करना है हमको, यहाँ पे दो चीजें पता करनी है यहाँ पे, एक है हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और दूसरा है हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है ये चीजें पता करनी है हमको, देखना बच्चों जैसा जैसा ऑटोसोमल है सेम वही है हमारा, कुछ नहीं है एक्स लिंक को जैसा नहीं है, कोई टेंशन वाली बात है अपनी। ठीक है तो लिख लेते हैं, ये क्या हमारा फीमेल है तो फीमेल का एक्स एक्स होता है, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ये सेक्स हमारा और इसका एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एंड एक्स वाई। चलो गुड अब देखो, जानते हैं हम लोग कि फीमेल में जो वाई होता है वही कोई करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और एक होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे एक्स एंड वाई, ठीक है यार, ठीक है बताएंगे। तो वाई कुछ करेक्टर नहीं ले जाएगा, यानी मेल में सिर्फ एक्स ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ वाई क्या करता है मेल और फीमेल में डिसाइड करता है, ठीक है बॉयज बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है और कोई करेक्टर उसके पास नहीं होता है। ठीक है चलो तो दिया गया है पहला एक्स लिंक डोमिनेंट है, फर्स्ट क्या दिया गया एक्स लिंक डोमिनेंट है और ये चारों दिए पेडिग्री, तो इसके जीनोटाइप कैसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं डोमिनेंट सेम रिकॉल करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला, ठीक है यानी यदि इसका करेक्टर इस तरह कुछ हो जाए दोनों एक्स पे फीमेल का देखना, तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, कर सकती है कोई कोई बात, ठीक है और एक ऐसा हो जाए हमारा इसमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा एक्स लिंक डोमिनेंट क्योंकि रिसेसिव है। दूसरा एक्स वाई है तो ए वाला अपना एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसको ये कर दें और इस पे कैपिटल ए वन, क्योंकि वाई कोई करेक्टर नहीं आता तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। अब जैसे लिख दिए सर ये लिख दें, जैसे हम लोग दो लिख रहे थे ऊपर उसी तरह एक्स ए वाई, तो ये भी कैसा हो गया, ये तो रिसेसिव हो गया, ये तो अपने करेक्टर एक्सप्रेस करेगा नहीं, ठीक है ये तो होगा ही नहीं, यानी हमारा एक ही करेक्टर है तो हम एक ही टाइप का लिख सकते हैं वहां पे। चल ठीक है अब आ जाओ आगे आ जाओ, ठीक है अब आ जाएगा रिसेसिव। रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है, ओनली फॉर स्मॉल होमोजाइगस कंडीशन में, और ये भी अपने आप को होमोजाइगस में, और ये कब रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, एक्स कैपिटल ए कैपिटल ए और दूसरा एक्स कैपिटल ए एक्स और यहाँ पे कैपिटल ए। चल ठीक है देखना ध्यान से देखना इसको, ठीक है दोनों ठीक है सेम काम किए, बस एक्स वाई में क्या हो गया हमारा कि जानते हैं कि मेल हमारा करेक्टर नहीं ले जाता कोई भी वाई करेक्टर, वाई जो क्रोमोसोम में कोई करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक ही होता है जो कान पे हेयर्स आ जाते हैं कई लोगों को जिसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस, ओनली वाई क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल इन हाइपर ट्राइकोसिस। चलो तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप लिखने का जो हमको चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्स लिंक डोमिनेंट एक्स लिंक रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल
रिसेसिव, हमको पता चल गया कि जीनोटाइप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ, आपको क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देना। ठीक है, एक बार आप लोग फिर देख लो, फिर आगे बढ़े हम लोग, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होगा हमको लगता है, बेटर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब दिया क्या गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, दिया गया है ऑटोसोमल डोमिनेट। ठीक है, दिया क्या गया है ऑटोसोमल डोमिनेट, ऑटोसोमल डोमिनेट को फाइंड करना है, पेडिग्री कुछ इस तरह को बना के दी गई है। ठीक है, छोटी छोटी पेडिग्री बना के दी गई है अभी। बी थर्ड दिया गया है हमारा, एंड फोर्थ दिया गया है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये चार दिए गए हैं आपको, और पूछ रहा है इसमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट की कौन सी पेडिग्री होगी। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री कौन सी हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब देखो हमको दे दिया पेडिग्री के बारे में, दे दिया कि चारों पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट इसमें फाइंड करनी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट फाइंड करनी है, यानी हमको पता चल गया कि डोमिनेंट वाला जो डिजीज एक्सप्रेस कर रहा है उसका फिनोटाइप कैसा होगा, जो डिजीज एक्सप्रेस नहीं कर रहा उसका फिनोटाइप कैसा हो सकता है। ठीक है, चलो मैं पहला करता हूँ, दूसरा तीसरा आप लोग फाइंड करना। ठीक है, गुड। चलो पहले का दिया गया है, ठीक है, पहला क्या दिया गया है ये देखो, इसमें सिर्फ ओनली एक हमारा शेडेड एरिया है, फीमेल वाली शेडेड है, अफेक्टेड है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो रहा है जो, तो यानी जो अपने आप एक्सप्रेस कर रहा है उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए यही हो सकता है। ठीक है, चलो इसका हम लिख लिया, तुरंत लिख लिया फटाफट, कि हमको ये पता है कि ये शेडेड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट बोल रहा है, तो इसका जीनोटाइप ए होगा। तीनों और तीनों का क्या होंगे हमारे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो डोमिनेट अपने आप को एक्सप्रेस कब नहीं कर सकता, जब दोनों क्या हो स्मॉल लेटर होमो जाएगा रिसेसिव कंडीशन में। ठीक है, अब देखो अभी पहले का हम जीनोटाइप लिख लिए, ठीक है, अब हम यहाँ से पता करेंगे क्या ऑटोसोमल सही है कि नहीं, ये पेडिग्री है। ठीक है, चलो पहले जीनोटाइप लिख लिए हम लोग। अब देखो, अब बोल रहा है कि यहाँ पे कैपिटल ए आ गया, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स थे दोनों दोनों में क्या है स्मॉल ए, कहीं कैपिटल ए है ही नहीं, जब कैपिटल ए हमारे पास पेरेंट्स के पास रहेंगे नहीं, तो हमारे पास करेक्टर कहाँ से आएंगे, करेक्टर आ ही नहीं सकते जब पेरेंट्स के पास से, मान लो पेरेंट्स हमको 100 रुपये दिए ही नहीं तो हमारे पास 100 रुपये आएंगे नहीं, 10 रुपये दिए तो 10 ही रुपये रहेंगे, 20 रुपये दिए तो 20 रुपये ही रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ हमारा। ठीक है, तो यानी ये जो फर्स्ट वाला है ए वाला, ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री नहीं है। ठीक है, ऑटोसोमल की पेडिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है ये क्या हमारे दोनों पेरेंट्स हैं, और ये दोनों इसके ऑफ स्प्रिंग है, नीचे हैं, नीचे मतलब ऑफ स्प्रिंग, ऊपर रहते तो पेरेंट्स, इसके ऊपर रहते और पेरेंट्स, ये इसका ऑफ स्प्रिंग, तो जब कैपिटल ए इनके पास है ही नहीं तो कैपिटल ए कहीं से आएगा ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं होगा, और जब कैपिटल ए ट्रांसफर नहीं होगा तो ऑटोसोमल की पेडिग्री नहीं है। चलो अब यदि क्लियर हो गया तो बी और सी बताओ, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंस की पेडिग्री है या कि नहीं है, ट्राई करें आप लोग। चलो आंसर आना शुरू हो गए, वेरी गुड, बी बी, चलो वेरी गुड, आंसर सही है बी बी, वेरी गुड वेरी गुड, बी ऑटोसोमल, सी इज नॉट ऑटोसोमल। ठीक है, अच्छा चलो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, बी 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 बी, सबका बी आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, देखिए चैट में भी किसी ने लिखा आंसर दिया है, सही है। ठीक है, चलो बी बी सही है, वेरी गुड वेरी नाइस। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे, अब बता देखा जाता है। ठीक है, बी मतलब सबका आ रहा है, ठीक है, सी नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेडेड है हमारा, कैपिटल ए लिख सकते हैं, चलो इसका स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, चलो तो हमको याद आ रहा है कि मान लो कि यहाँ से, अब दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, यदि है तो पॉसिबिलिटी,
ठीक है, देखना यहाँ से स्मॉल ए आ सकता है, यहाँ से स्मॉल ए आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, सही, गुड, वेरी गुड। यहाँ से हमारा कैपिटल ए आ सकता है और यहाँ से स्मॉल ए आ सकता है इधर भी, ठीक है, वेरी गुड। तो बी वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। मानी यदि हमारी जो मैक्सिमम जो होगा ना जीनोटाइप, वो कैसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए में आएंगे मैक्सिमम, ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल ए बहुत कम आता है, ठीक है, चलो, लेकिन हम लिखेंगे दोनों। अब सी वाला देख लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेक क्या करना है, पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी देखनी है। तो यदि यहाँ से कैपिटल ए आया होगा और यहाँ से कैपिटल ए आया होगा तो ये हमारा ऑफ स्प्रिंग तो सही है हमारा, ठीक है। यदि इधर आया तो इधर आ गया, 50-50 चांसेस होते हैं हमारे, ऑफ स्प्रिंग एक ही बनेगा, ठीक है। दूसरा, यदि हो सकता है मे बी कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए इधर ट्रांसफर हो गए होंगे, ठीक है, तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। यदि दोनों का ऑफ स्प्रिंग हमारा, ठीक है, इस तरह है, ठीक है, ए और ए, तो क्या है हमारे चांसेस, हमारे क्या क्या है हमारे, यहाँ से कैपिटल ए, कैपिटल ए, देखना ध्यान देना, कैपिटल ए स्मॉल ए चांसेज है हमारे, जैसे हम बना रहे थे, ठीक है, फिर यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है, हमारा स्मॉल ए, स्मॉल ए चांसेज है, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी हमारा जीनोटाइप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये चार तरह के हमारे जीनोटाइप पॉसिबल हैं, ठीक है, बट हमको पता नहीं है कि ये इधर गया होगा स्मॉल ए या फिर इधर गया होगा हमारा स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है, दोनों को पता नहीं है, दोनों में से हो सकता है, ठीक है, हो सकता है मे बी, ठीक है। यदि आप देखो सर, सर नहीं तो हमारा ए स्मॉल ए, स्मॉल ए इधर चला गया, तो फिर तो ये कवर कर लिया, दूसरा नहीं कवर किया, ठीक है। अब देखो यदि ये गायब कर दे, ठीक है, ये गायब कर दे तो हमारा है, तो तुम्हारा जीनोटाइप सही हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारा सारे के सारे जीनोटाइप सही लिखे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया हमारा, ठीक है, एक और बना दिया गया सिर्फ आपको समझने के लिए, तो इसका भी जीनोटाइप हमारा स्मॉल ए होगा और हमारा करेक्ट हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है 80-90% चांसेज है हमारे करेक्ट होने के। तो तीनों हमारे सही है, ए बी और सी दोनों सही है हमारे, ठीक है, ये सब तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इसे अब कर देते हैं इसको, ठीक है, चल अभी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान देना, ठीक है, आपको वीडियो आज मिल जाएंगे और पीडीएफ में आज नोट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, गुड। अब आपको करना क्या है, देखना सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी में यही पेडिग्री है, आपको फाइंड करना हो, घर से फाइंड करना, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, कि कौन सी पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव की। ऐसा नहीं कि सर जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा वो ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जीनोटाइप लिखना फिर फाइंड करना, और इसी तरह पेडिग्री में इसी को, ठीक है, ठीक है, इसी पेडिग्री में मिल जाएगा, उसकी टेंशन ले लीजिए आप, लिंक भेज दिया जाएगा उसकी, उसकी आप टेंशन नहीं, उसकी टेंशन हमारी हो सकती, ठीक है। एक्स लिंक, ठीक है, कि एक्स लिंक डोमिनेंट और रिसेसिव, यही पेडिग्री है, इसमें आपको चार पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया, तीन क्वेश्चन आपको घर से बनाने हैं, इसी पेडिग्री में आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव फाइंड करना है, जीनोटाइप लिख के करना है, ठीक है, चलो एक मिनट बच्चों, अभी हो गया हमारा, ठीक है, एक मिनट रुकना आप लोग थोड़ा सा, बहुत ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो, अब आपको पेडिग्री जैसे बड़ा सा दे दिया, अभी छोटा सा था, अब हमको पूरे बोर्ड जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा उतना बड़ा पेडिग्री दे दी गई, ठीक है, तो फिर कैसे हम तुरंत फाइंड करेंगे, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये ट्रिक भी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके लिए, चलो आ जाओ, करना है क्या, ध्यान देना, ठीक है, पहले हम ट्रिक लिख लेते हैं, ठीक है, तो दिया गया हमारा, क्या दिया गया हमारा, बोला क्या रहा है, 100% अफेक्टेड, देखो यहाँ पे लाइनिंग पे अच्छा जीरो है ना, इसमें नहीं जाएंगे, हंड्रेड परसेंट अफेक्टेड प्रो
जी हैव एफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। पहला पहला दिया दिया गया, आपको बताएंगे अभी। अब देखो बोल रहा है कि 100% अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड अफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड प्रोजीन, ठीक है। अब दो चीजें होगा, या तो अफेक्टेड है तो यस, अफेक्टेड नहीं है तो नो, ठीक है। नहीं है तो नो में जाएंगे, यस है तो यस। यदि एस है हमारा, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, लिखते हैं फिर अच्छे से, एस और दूसरा हो गया हमारा नो, ठीक है। यदि एस आता है यानी हमारा पेरेंट्स भी अफेक्टेड है, प्रोजिनी भी अफेक्टेड है, तो हमारा जो पेडिग्री है कैसी हो गई, हमारी डोमिनेंट पेडिग्री हो गई। यदि अफेक्टेड नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, तो कैसी हो गई हमारी रिसेसिव, ठीक है। हम पेडिग्री देखते ही पहले ही फाइंड कर लिए कि पेडिग्री कैसी है, डोमिनेंट की रिसेसिव। अब हमको करना क्या है, सिर्फ एक्स लिंक और ऑटोसोमल पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगी पेडिग्री का। यदि डोमिनेंट है, देखना, यदि डोमिनेंट जा रहा है हमारा, तो डोमिनेंट में हमको देखना क्या है कि 100% अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर्स, ठीक है। ये हमारा डोमिनेंट में, डोमिनेंट में बोला है कि मेल, ठीक है, 100% अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड डॉटर, ठीक है। दूसरा जाएंगे हम लोग कि यहाँ पे सेम उल्टा, यहाँ पे मेल है तो वहां पे फीमेल है, 100% अफेक्टेड फीमेल्स हैव, फीमेल्स है तो जस्ट अपोजिट जाएंगे सेक्स पे, हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड फादर हो गया सन्स, ठीक है। यदि ऐसा है यानी यदि ऐसा आ रहा है, यदि बोल रहा है एस है अफेक्टेड, दूसरा नो आएगा, इसमें भी यही है कि एस आए और दूसरा हमारा नो आए, ठीक है। यदि एस आता है तो हम जाएंगे एस को लेके, ठीक है, देखना, एस आया तो हमारा होगा एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट है ही ऊपर, डोमिनेंट। यदि नो आता है तो ऑटो सोमल डोमिनेंट, ठीक है। इसी तरह है हमारा कि क्या हो जाएगा, हमारा एक्स लिंक रिसेसिव और ये कैसा हो जाएगा, हमारा ऑटो सोमल रिसेसिव, ठीक है, ऑटो सोमल रिसेसिव। चल अब देखो इसको हम छोटा सा थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक ट्रिक लिखना है, चलो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। पहला दिया 100% अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है, यस डोमिनेंट, नो तो नो, ठीक है। डोमिनेंट में क्या जाएंगे, मेल अफेक्टेड है तो मदर और डॉटर दोनों अफेक्टेड होने चाहिए, मेल के जस्ट अपोजिट जाना, डोमिनेंट हमेशा कौन रहता है, मेल, और रिसेसिव कौन सी होती है, हमारी फीमेल्स, ठीक है। तो मेल में जाएंगे तो मेल का जस्ट अपोजिट जाएंगे हमारा मदर एंड डॉटर, ठीक है, और रिसेसिव में हमारा फीमेल है, फीमेल का फादर एंड सन की बात करेंगे, यस है तो एक्सलिंग, यस एक्सलिंग, नो ऑटोसोमल, ठीक है। अब देखो करना क्या, देखना कैसे, चेक कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहीं पे बना रहा हूं मैं, छोटा सा बना रहा हूं मैं, ठीक है, एक छोटा बना रहा है, अब बस अभी छोटा बना रहे हैं, फिर आगे हम लोग इस पे देखेंगे अच्छे से, क्वेश्चन देखेंगे भी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दिया गया आपको, दिया गया, अब देखो चेक कैसे करना, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। बोला 100% अफेक्टेड प्रोजिनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है, यानी यहाँ पे 100% अफेक्टेड, चेक क्या करना है हमको, पेडिग्री चेंज कर चेक करना है, ऐसे नहीं कि सारे पेरेंट्स को हम अफेक्टेड कर दें। यहाँ पे एक पेरेंट्स अफेक्टेड है, सही है, ये अफेक्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, बट इसका 100% गोल क्या रहा है
कि यदि ये अफेक्टेड है, दूसरी पेन से हम कर रहे हैं, ठीक है ध्यान देना, ठीक है, यदि ये अफेक्टेड है, पेरेंट्स में से कोई भी एक अफेक्टेड है, इसके तीनों जो ऑफ स्प्रिंग है ये इसमें से कोई एक अफेक्टेड हो जाए तो उसी को क्या उसी को बोल रहा है हमारा 100% अफेक्टेड, पेरेंट्स हैव अफेक्टेड प्रोजेनी। ध्यान देना सुनना, फिर आपसे बोल रहे हैं कि पेरेंट्स जो दिया ऊपर इसमें से एक अफेक्टेड है, चलो कोई बात नहीं, फिर इसके तीन ऑफ स्प्रिंग हमारे 1, 2, 3, तीनों में से सिर्फ एक हमारा जो मेल है वही अफेक्टेड है, ठीक है, यानी पेरेंट्स था उसके एक ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है, इसी को बोल इसी को चेक करना है यदि ऐसा अफेक्टेड है और ये पूरे पेडिग्री में, ठीक है पूरी पेडिग्री में। अब देखो दूसरा, दूसरे पेन से हम लेते हैं कि इन दोनों में 1 और 2 में हमारा ये वाला अफेक्टेड है, पेरेंट्स अफेक्टेड है, सही है, इसका ऑफ स्प्रिंग कोई अफेक्टेड है, हाँ अफेक्टेड है, ठीक है, तो देखो दोनों सही है हमारा, मतलब दोनों पेडिग्री हमारे अफेक्टेड आ रहे हैं, यानी हमारी 100% अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, ये टेबल कैसा हो गया एस, और किसमें जाएगा हमारा ए डोमिनेंट में, इस तरह डोमिनेंट रिसेसिव चेक करेंगे आपको, ठीक है, यदि यही कोई गायब कर देते, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, अब देखना ध्यान देना नीचे हम ये बना दिए, ध्यान देना हम पहले चेक कैसे करेंगे यस एंड नो, बहुत जरूरी है, चलो ये बना दिए हम, ठीक है, अब देखो इसमें क्या चेक करेंगे, ठीक है फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है फर्स्ट उठा लो, ठीक है ये फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है ये पेरेंट्स हमारे, ये क्या हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के ए ऑफ स्प्रिंग है, ए है और ए है, ठीक है ये दिया, इन दोनों के छत पे सरी नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है इनके छत पे कोई सरी नहीं है तो कुछ है ही नहीं, काम खत्म, ठीक है तो इसको हम कुछ करेंगे नहीं, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, ये इसका पेरेंट्स है तो इसके ऑफ स्प्रिंग है, चलो गुड वेरी गुड, हमको पता है ये इसके पेरेंट्स इसके ऑफस्प्रिंग, हमको ये पता चल गया पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे इन दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स अफेक्टेड है, वेरी गुड सही है, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है अपनी, इसके तीन ऑफस्प्रिंग है, तीनों ऑफिस में से एक ऑफस्प्रिंग है, चलो तो अभी अभी रुक जाना, तुरंत डोमिनेंट नहीं लिख देंगे, ठीक यहाँ पे तो सही चल रहा है हमारा, सेकंड आ जा रहा है कि ये अफेक्टेड है, ये वाला अफेक्टेड नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो भी हमारा काम चल रहा है अभी, चलो ठीक अभी तक हम डोमिनेंट डोमिनेंट जाएंगे, बट ठीक है अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखना पेरेंट्स हमारे अफेक्टेड नहीं है बट हमारा एक ऑफस्प्रिंग यहाँ पे इसका अफेक्टेड है, यानी हमारा अब दिक्कत हो गया, अब 100% हमारा पेडिग्री में सही नहीं है, कहीं भी ऐसा चीजें मिल जाए तुरंत हम लोग, कोई भी एक भी पेडिग्री ऐसी मिल गई हमको, ठीक है तो हमारा किस पे जाएंगे हम लोग, सीधे नो जाएंगे, और नो होगा तो कैसा हो जाएगा हमारा रिसेसिव हो जाएगा, कोई भी एक जाएंगे ऐसा तो नो हो गया तो हमारा रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है भले से 6 दिए हों, 6 पेडिग्री डोमिनेंट जा रहा है लेकिन हमको 100% चेक करना है, अब ऐसा नहीं करना कि 100% में देखो हम यहाँ बना रहे हैं छोटा सा कि अच्छा सर ये बोल रहे थे कि ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, मतलब 100% अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड प्रोजेनी, तभी डोमिनेंट आएगा, यस आएगा, नहीं तो नो चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा पेडिग्री दिया रहेगा हम तो जान ही जाएंगे कि सारे के सारे अफेक्टेड हैं, यानी सब करेक्टर है, ऊपर से नीचे ट्रांसफर हो रहे हैं, हमारे ऑटो समझ जा रहे हैं सब के सब, ठीक है या तो डोमिनेंट ही होंगे सारे सारे डिजीज हैं तो डोमिनेंट सीधे, यदि एक भी कोई डिजीज नहीं मिला तो रिसेसिव, काम खत्म, हमारी पेडिग्री काम खत्म, ठीक है तो वहां पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है तो ये हमारा है, ठीक है अब देखना ध्यान देना, ठीक है ये हमारा मिल गया, इसको बोल दिया रिसेसिव, क्योंकि एक हमारा यहाँ पे दिक्कत है कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है लेकिन ऑफस्प्रिंग में से एक अफेक्टेड हो गया है, यानी कहाँ तक क्या करेक्टर हमको पता नहीं, रिसेसिव है, ठीक है छुपा था, छुपा रुस्तम, अब जा दो रिसेसिव गया तो रिसेसिव में हमको देखना क्या है, रिसेसिव जान दे कौन सा है हमारा, ठीक है रुक जाओ बेटा, रिसेसिव हमारा फीमेल्स है, यदि फीमेल्स है तो हमको दो देखना है, फीमेल्स में क्या देखेंगे हम लोग, इसका फादर और इसके सन देखेंगे, फीमेल यदि अफेक्टेड है तो फादर भी अफेक्टेड होना चाहिए, सन भी अफेक्टेड होना चाहिए, यदि ऐसा है तो एस, नहीं है तो नो, अब देखना ध्यान देना, यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है बट इसका सन अफेक्टेड है, चलो गुड कोई वाली बात नहीं, सही बात है, इसका पेरेंट्स दिया ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं करना, यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो अब देखो यहाँ पे इसका कोई बात ही नहीं करना, अब देखो यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है बट इसका फादर अफेक्टेड नहीं है, हमारा फादर अफेक्टेड
नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, फादर अफेक्टेड नहीं है। यदि फादर अफेक्टेड नहीं है तो फिर हम किसमें चल गए, नो, और कैसा हो गया हमारा ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव का, कैसा हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव का हमारा पेडिग्री है हमारी, ठीक है। यहाँ पे जो पेडिग्री बनी गई है वो ऑटोसोमल रिसेसिव का, देखो यस नो करते चले गए और काम होता चला गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ठीक है, एक इस पे और क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। चलो कोई भी एक पेडिग्री ले सकते हो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो। चलो हम एक पेडिग्री ले लिए, क्वेश्चन दिया आपको ये दिया है, ऐसे ही बना रहे हैं पेडिग्री। आप लोग भी कॉपी पेन ले लिया जी करें और ड्रा करते चले हमारे साथ, ठीक है। आपके पास कॉपी पेन होगी, कॉपी पेन लेके बैठा करें आप लोग, ठीक है। चल ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कौन सी पेडिग्री हो सकती है, ठीक है। कोशिश करें आप लोग कि ये पेडिग्री कौन सी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कि ऑटोसोमल रिसेसिव, कि एक्सलिंग डोमिनेंट कि एक्सलिंग रिसेसिव, क्या हो सकता है, ठीक है। कोशिश करें आप लोग, ट्राई करें। ऑटोसोमल रिसेसिव, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही, देखो तुरंत बता दिए, ठीक है। बस यस नो करते जाओ, दिमाग में माइंड में याद रखो, इसको अगर बना ली हो तो मैं यस नो वाला कर देता हूँ, एक बार नीचे आप लोग देख लो, ध्यान दे दो, ठीक है। यदि ये बना लिए हो आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन ड्रॉ कर लिए होगे तो मैं यस नो वाला नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए हेल्प रहेगा, ठीक है, उससे कर सकते हो आप लोग। नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। ऑटोसोमल रिसेसिव, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑटोसोमल रिसेसिव, बहुत सही आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो सही रहेगा, या फिर लिख लेना सही भी रहेगा, सिर्फ पीडीएफ मिलेगी आपको। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। चलो और लोग आंसर दें फटाफट, जल्दी से कोशिश करें, ठीक है, सबका आना चाहिए, बहुत सही, ठीक है। ऐसे ही आप यदि, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम पीडीएफ में क्वेश्चन शेयर कर देंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने पास टाइम नहीं इतना, ठीक है, चैप्टर को भी फिनिश करना है। बहुत सही, वेरी गुड, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, बहुत सही। और लोग भी आंसर दे फटाफट जल्दी, सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, 27 है लोग, बहुत सही, ऑटोसोमल रिसेसिव आने चाहिए सबको, सब, ठीक है। अब देखो ऑटोसोमल रिसेसिव पता चल गया हमको, पता चल रहा है, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखेंगे, देखो पेडिग्री हम कैसे लगा सकते हैं, दूसरे को मत बताना, ठीक है, दूसरे वाले को लगाने देना, ठीक है, दूसरा कोई बगल में है तो 5 मिनट लगाएगा, सबको मत सिखाना है, ठीक है, कंपटीशन है हमारा, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव, वेरी गुड, ठीक है, हमारा टाइम बचत होगा, तुरंत हम लगा रहे हैं, ठीक है, देखो अब तो 1 मिनट में भी लगा ले रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, आ जाओ, ठीक है, सबका लगभग आ गया ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो यहाँ पे देखते चलेंगे, पेरेंट्स अफेक्टेड है, ठीक है, इसका ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, चलो ठीक है, एक जगह देखो यहाँ पे हमारी दो चीजें हो गई, एक यहाँ पे टेबल है और एक यहाँ पे टेबल है, दोनों में हमारा ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है बट पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, हमारा नो आया, नो आया था कौन सा होगा, हमारा रिसेसिव आ गया, ठीक है, वेरी गुड, रिसेसिव हमारा समझ में आ गया। अब रिसेसिव में हम गए तो देखना है फीमेल को, क्या देखना है हमको, फीमेल को फादर के साथ और सन के साथ देखना है, हमको फीमेल के फादर और सन के साथ में देखना है रिलेशन, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ऑटोसोमल यस या नो, फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, इसका फादर अफेक्टेड है बट इसका सन अफेक्टेड नहीं है, और कहीं फीमेल अफेक्टेड ही नहीं है, ठीक है, तो एक ही जगह हो गया, तो ठीक है, तो कौन सा हो गया हमारा ऑटो
ऑटोसोमल रिसेसिव, कौन सा हो गया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इस तरह आप कोई भी पेडिग्री क्वेश्चन लगा लेना, उठा लेना और तुरंत आप लोग लग जाएंगे क्वेश्चन, ऑटोसोमल पेडिग्री के क्वेश्चन आपके तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा गया कि पेडिग्री, हमको पता चल गया पेडिग्री दिया गया, आपको पता चल गया ठीक है कि ऑटोसोमल रिसेसिव पता चल गया। अब पूछा गया कि इसमें बताओ सेकेंड जनरेशन में थर्ड ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा, फटाफट। सेकेंड जनरेशन में थर्ड ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, सेकेंड जनरेशन थर्ड ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, जीनोटाइप लिखना, जीनोटाइप। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ऑटोसोमल, देखो ऑटोसोमल हम बताए थे, देखो ऑटोसोमल कोई पूछ रहा है ऑटोसोमल के लिए, ठीक है ऑटोसोमल, देखो ऑटोसोमल नो, ठीक है नो मतलब हमारा ऑटोसोमल था, ठीक है एनोमिनस जी, ठीक है। इसमें देखना है फीमेल अफेक्टेड है तो फादर और सन, फादर एंड सन दोनों अफेक्टेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो फीमेल हमारी पूरी पेडिग्री में सिर्फ एक जगह अफेक्टेड है हमारी, कहाँ पे हमारी, ठीक है आ जाओ यहाँ पे अफेक्टेड है हमारी ओनली फॉर, तो इसका हमारा फादर तो अफेक्टेड है, चलो यही फादर है हमारा, फादर तो अफेक्टेड है, बट इसका जो सन है ये अफेक्टेड नहीं है, यानी हमारा कहाँ चला, नहीं आ गया, नहीं मतलब नो, और नो पे जाते हैं तो कैसा होता हमारा ऑटोसोमल, यदि यही अफेक्टेड होता ऐसा हो जाता हमारा, कैसा हो जाता हमारा एक्स लिंक रिसेसिव हो जाता, ठीक है समझ में आया। चल वेरी गुड बच्चों, ठीक है अब बताओ इसका, बताए आपको लिखे हुए आंसर यहाँ कि सेकेंड में थर्ड जनरेशन, सेकेंड में थर्ड जनरेशन ऑफ स्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा, ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है अब सेकेंड जनरेशन में थर्ड का पूछ रहा है हमारा, इसका पूछ रहा है, हम जानते हैं ये कैसा हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी ये अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है हमारा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, काम खत्म, हमारा आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है, किसी का ही पूछे जीनोटाइप हमको पता चल गया, ठीक है। इस तरह आप कोई भी जीनोटाइप लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करता है स्मॉल ए सिर्फ ओनली होमोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पे हमारा उसको डिजीज है ही नहीं थर्ड ऑफस्प्रिंग को, तो कोई बात नहीं, ठीक है चलो होप सो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आने के बाद, ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है अब यहाँ पे हम लोग डिजीज की बात करेंगे, ये हमारा जीनोटाइप हो गया, अब हम डिजीज की बात करेंगे, डिजीज में देखेंगे क्या हम लोग कुछ और पेडिग्री आपको भेज दी जाएगी, सेंड कर दी जाएंगे। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा डिजीज, ठीक है पेडिग्री सबको समझ में आ गया, एक बार यस नो लिख दें सब लोग, फिर आगे बढ़े हम लोग। हमको लग ठीक है बहुत अच्छे से आ गया होगा, आप लोग ट्राई करना, ठीक है कोशिश करना है, ठीक है अपना लगाते हुए कि पेडिग्री लगाते चले, और अब लग भी जाएगा, सबसे लग जाएगा ना तुरंत, दो सेकंड देखना अपना पेडिग्री, काम खत्म बच्चों, ठीक है कुछ करना ही नहीं है, कितना भी बड़ा दिया यस नो, यस नो करते निकल जाएंगे अपना अकाउंट टेंशन फ्री, ठीक है। और जीनो टाइप पूछा तो भी दूसरे से हम लोग 5-10 मिनट अपना सेव कर लिए, ठीक है चलो बेटा अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग डिजीज में दो डिजीज है हमारी, ठीक है एक है हमारा, ठीक है एक को बोलते हैं हम लोग हीमोफीलिया, और इसी से हम साथ साथ में लिख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है चलो सिकल सेल एनीमिया हम लोगों ने पढ़ लिया था, हीमोफीलिया में दूसरा डिजीज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल डिजीज, ठीक है रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। अब चलो हीमोफीलिया में होता क्या, ध्यान देना हीमोफीलिया में कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर एब्सेंट, ठीक है यानी लिख लेते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर
आर एब्सेंट। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारे एब्सेंट होते हैं, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता। यदि किसी को हीमोफीलिया है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया या कट गया, तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं जल्दी से होगी, उसको जाना पड़ेगा बाहर। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे जडेजा जी आपको, ठीक है, कोई बात नहीं उसकी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है हमारा कि हम कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, किसमें किसमें हमारा कलर ब्लाइंडनेस, तो आप लोगों ने सबने पढ़ा है। ठीक है, किसमें हम लोग करते हैं, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उसी को बोलते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब यहां से देखो दो या तीन चीजें पूछी जाएंगी। चलो यहाँ पे कि यदि कोई नॉर्मल मेल है, सेकंड हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस मेल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल्स है या फिर हीमोफीलिया या फिर कलर, एक ही साथ लिख रहे हैं हम लोग, सेम एक ही है, सब कुछ सेम है, क्रॉस कराना, फीमेल्स है या फिर कैरियर फीमेल्स। देखो मेल का नहीं लिखे क्योंकि मेल कभी कैरियर नहीं होता, याद रखना। ठीक है, नॉर्मल मेल है तो कैसा होगा, एक्स वाई, हीमोफीलिया है या फिर कलर ब्लाइंडनेस तो उस पर एच लिख देंगे या फिर सी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्स ही क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉर्मल फीमेल है तो एक्स एक्स, हीमोफीलिक है तो दोनों पे एच हो सकता है और दोनों पे सी हो सकता है, कैरियर है तो कोई मत, बोथ है क्रोमो, दोनों में से किसी एक पे, हम फर्स्ट वाले भी लिख देते हैं, आप सेकंड वाले पे भी लिख सकते हो, इसे बोलते हैं हम लोग कैरियर। सिर्फ एक क्रोमोसोम पे फीमेल पे प्रेजेंट है तो उसे कैरियर बोलेंगे, दोनों होगा तभी वो अफेक्टेड होगी, ये याद रखना। ठीक है, फीमेल्स की, लेकिन मेल में एक ही है क्योंकि वाई तो कुछ करता ही नहीं है, तो एक ही हुआ अपना काम खत्म, लेकिन फीमेल में क्या होगी, सिर्फ एक पे है तो कैरियर होगा, नहीं तो दोनों पे होगा तो डिजीज पर्सन होगी। ठीक है, नॉर्मल में कुछ होगा ही नहीं, तो ये जीनोटाइप है हमारा कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया का। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है हमारा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कि एक है, आप देखो अब तो कर लोगे, नॉर्मल मैन है, ठीक है, नॉर्मल मेल है, मैरिड विथ कैरियर फीमेल्स, क्रॉस कराने आता ही है, कैरियर फीमेल्स है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग कितने होंगे, नॉर्मल कितने होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा परसेंटेज पूछेगा कि सन कितने अफेक्टेड है और सन कितने नॉर्मल है या डॉटर कितने अफेक्टेड है, क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है हमको, नॉर्मल मेल है हमारा, ठीक है, रुक जाओ बेटा एक मिनट, किसी का चैट, नॉर्मल मेल है, नहीं टाइप नहीं पढ़ना है, हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया बी, ठीक है, ये सब यहाँ नहीं पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, सिर्फ हमको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बेटा, ठीक है, कि क्या क्या करना है हमको, नहीं पढ़ना हमको। ठीक है, चलो, हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है, ठीक है, और भी आएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9 यदि एब्सेंट होता है तो ए बोलेंगे बी बोलेंगे, ये सब है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन हमको उठाना है यहाँ से। ठीक है, चलो, नॉर्मल मेल है हमारा, तो नॉर्मल मेल कैसा होगा हमारा, एक्स एंड वाई, कैरियर है तो हम जानते हैं, हीमोफीलिया बोला या कलर ब्लाइंडनेस कोई भी एक ले लेते हैं, दोनों का सेम होगा, ये हो गया हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्रॉस करा लो, चलो हम लोग क्रॉस करा दो, बहुत कराएं क्रॉस, क्रॉस तो हम लोग माहिर है हमको लगता है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सी लिखो या फिर एच लिखो, ठीक है, बात एक ही है। चलो अब यहाँ पे हम गैमिट बना लेते हैं, यहाँ पे क्या गैमिट बनेगा, ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल जो भी आ रही है एक भी नॉर्मल नहीं है, सारी की सारी क्या है, कैरियर है। ठीक है, बट मेल की बात करें तो मेल में क्या है, ये वाला कैसा है हमारा डिजीज और ये कैसा है हमारा नॉर्मल, यानी मेल डॉटर की सन की बात करें तो 50% डिजीज 50% नॉर्मल, बट फीमेल की बात करें, फीमेल की ओनली, तो 100% फीमेल क्या हमारा है, कैरियर है, कोई भी नॉर्मल और डिजीज नहीं है। बट पूरी ऑफस्प्रिंग की बात करें तो 25% हमारा डिजीज सन है, 25% सन नॉर्मल है, 25% ऑफस्प्रिंग, 50% हमारा कैरियर है फीमेल। ठीक है, ये बात होती है। ठीक है, चलो हमको लगता है इस तरह आप लोग कर सकते हो, एक नॉर्मल मेल है, एक नॉर्मल मेल
नॉर्मल फीमेल नहीं आएगी बेटा, कैरियर फीमेल ही है सब। ठीक है, गड़बड़ हो गया कहीं क्रॉस। ठीक है देखो, अब तो सबको लगता है सबके आ गए होंगे आंसर। सर एक नॉर्मल है फीमेल, सर एक फीमेल नॉर्मल होगी। आ गई क्या कोई नॉर्मल फीमेल? हाँ सी, सॉरी सॉरी बेटा, ध्यान नहीं दिए। ओके 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 ओके, ठीक है ये यहाँ, ये सही है, ठीक 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 सही है। चलो ठीक है, ठीक ठीक हाँ समझ में आ गया, वो क्रॉस में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। ठीक है, तो फीमेल हमारी और एक हमारी क्या है, हमारा फीमेल नॉर्मल है। ठीक है, तो अब आप इसको कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया आपको दिया गया, इस तरह क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको लगता है सब लोग कर सकते हैं कि जैसा कोई भी दे दिया कि कैरियर है, डिजीज है, नॉर्मल है, डिजीज है, जो भी करना आपको यहाँ से कर सकते हो, आप इस पे पता कर सकते हो। होप सो हमको पता है। ठीक है, सब लोग क्रॉस क्रॉस कराने आ गए, हमको क्रॉस कराने आ गए तो कुछ भी दो हमको तो कर ही डालेंगे। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट डिजीज जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल क्यूटो न्यूरिया। ठीक है, फिनाइल क्यूटो न्यूरिया ये, ठीक है ठीक है, होता क्या है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा कैसा था, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस पूछा जाएगा, तो ये हमारा है सेक्स लिंक्ड, क्योंकि एक्स वाई से हमारा रिलेटेड है, रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ये चीजें याद रखना थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया कैसे सिक्स लिंक एक्स वाई है और रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया कौन सा हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है चीजें। ठीक है, एनसीईआरटी से आप लोग वहां पे ढूंढना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हम लोग पढ़ लिया, ऑटोसोमल क्यों है, एक्स लिंक क्यों है, सब पढ़ लिया। ठीक है, होता क्या फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, होता क्या हमारा, क्या प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, इसमें होता हमारा फिनाइल क्यूटोन्यूरिया में एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, किसी एक कुछ ऐसे एंजाइम है जिसके कारण हमको फिनाइल क्यूटोन्यूरिया होता है, और वो एंजाइम कौन सा हमारा, वो एंजाइम इसी से हमारा फिनाइल फिनाइल एलेलिन फिनाइल एलेलिन हाइड्रो लेज हाइड्रो हाइड्रोलेज अरे क्या है? ठीक है, हाइड्रोलेज। ठीक है, फिनाइल एनिलीन हाइड्रोलेज एंजाइम की कमी के कारण फिनाइल क्यूटोन्यूरिया होता है हमारा। ठीक है, अब यदि ये हमारा एब्सेंट है, ये क्या हमारा एब्सेंट है, तो होगा क्या हमारे बॉडी में। ठीक है, जो फिनाइल एनिलीन है, ठीक है, फिनाइल एनिलीन को ये कन्वर्ट करता था टायरोसिन में। ठीक है, फिनाइल एनिलीन को कन्वर्ट किसमें करता था हमारा, टायरोसिन में, हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता हमारा टायरोसिन में, बट ये एब्सेंट हो गया फिनाइल एनिलीन हाइड्रोलेज। यदि एब्सेंट होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल एनिलीन हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्रीज होंगे। यदि कंटेंट, क्योंकि टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होंगे फिनाइल एनिलीन, तो बनाएगा फिर हमारे बॉडी में बन क्या जाता है हमारा, फिनाइल पायरविक एसिड, फिनाइल पायरविक एसिड, फिनाइल पायरविक एसिड बनेगा। और जब ये हमारे बॉडी में फिनाइल पायरविक एसिड बनना ज्यादा होता है, ज्यादा होगा, तो ये क्या करते हैं हमारे, डैमेज द ब्रेन, ब्रेन को क्या करते हैं हमारे, डैमेज कर देते हैं, और इसी डिजीज को बोलते हैं हम लोग फिनाइल क्यूटो न्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, मेंटल डिफिशियंसी, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही, नाइस आंसर। ठीक है, चल ठीक है, तो ये हमारा है फिनाइल क्यूटो न्यूरिया के बारे में। ठीक है, कि हमारा एक एंजाइम गायब हो जाएगा, उसके कारण डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज जो दी गई है हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये कैसा होता है हमारा, लिख लेते हैं, ऑटो सोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑटो सोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें याद रखना सीधा डायरेक्ट
डिलीशन, ये चीज है। अब डिलीशन में क्या क्या डिलीशन में होगा, ठीक है ठीक है, कुछ डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। हमारा इसमें क्या होता है, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में हमारा, ठीक है, कि जो हमारा मसल्स है ठीक है वो थिक होने लगती है, यानी हमारा ग्लाइको प्रोटीन हमारे एक्यूमुलेट होने लगते हैं हमारे मसल्स में, जिसके कारण हमारा लीव प्रोटीन हमारा गायब होने लगते हैं धीरे धीरे। डिपोजिशन किसका होगा, ग्लाइको प्रोटीन का होगा, कहाँ पे, मसल्स में, जैसे लीवर, पैंक्रियाजेन, ब्रोंकाई। यदि जब ऐसे होगा तो हमारा क्लोरीन का जो ट्रांसफर होगा वो अफेक्टेड हो जाएंगे, और जब ये अफेक्टेड हो जाएंगे तो हमारी डक्ट हो जाएंगे, हमारी ज्यादा पैंक्रियाज लीवर बड़े हो जाएंगे, मसल्स ठीक हो जाएंगे, जिससे काम करना हमारा बंद कर देगा मसल्स हमारा, ठीक है। उसे बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। यानी स्वेटिंग ज्यादा होगी हमारी, सोडियम क्लोरीन हमारे बढ़ने लगेंगे, हमारे कंसेंट्रेशन बढ़ने, क्योंकि हमारा जो क्लोरीन का ट्रांसपोर्टेशन था वो गायब हो गया, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन गायब हो गया जो क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो जाएंगे जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे क्लोरीन है सोडियम का, ठीक है। इसे बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, नाम है फाइब्रोसिस, यानी फाइबर जो हमारे एडिपोज टिश्यू है ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बस एक लाइन में, क्या होगा हमारा एनसीईआरटी में और अच्छे से दिया है, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स होगा तो क्या होगा हमारा, ठीक है, म्यूकस फॉर्मेशन, ठीक है, म्यूकस फॉर्मेशन कहां पे होगा हमारा, डक्ट ऑफ लीवर, पैंक्रियाज एंड ब्रोंकाई, ठीक है। पैंक्रियाज स्वाद रस पिंड बोलते हैं, लीवर लीवर यकृत, और ब्रोंकाई को बोलते हैं श्वास नली, ठीक है, श्वास कोष्ठ बोलते हैं, ठीक है, गुजारते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी हमारे, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ठीक है। अब एक है सीधा डायरेक्ट पूछा जाता हमारा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा कहीं कहीं पूछा गया है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया डिजीज है। अब ये पूछा जाता है डायरेक्ट, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स लिंक सेक्स लिंक है कि ऑटोसोमल, तो ये भी कैसा है हमारा, ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, कैसे हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, बस उसमें और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्स लिंक हमारे हैं, अब आ जाओ, ठीक है, एक कुछ डिजीज थे हमारे, अब कुछ हमारे एक हमारे क्रोमोसोमल डिजीज है, कैसे हमारे क्रोमोसोमल डिजीज है, ठीक है। अब नहीं सॉरी, ये मेंडेलिज्म डिजीज थे, अब आएंगे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब जो जरूरी वही पढ़ना हमको, पहला है हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम्स, ठीक है, फर्स्ट हमारा है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, सेकेंड है हमारा टर्नर सिंड्रोम्स, एंड थर्ड जो है उसको बोलते हैं केलिनीफेंटर सिंड्रोम्स, ठीक है, तीन हमारे दिए एनसीईआरटी, तीनों दिया है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड केलिनीफेंटर सिंड्रोम, ठीक है। इसको देखो, डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं हम लोग लेग डॉन डाउन, ठीक है, जो लेग डॉन डाउन ने ही इसके एक्सपेरिमेंट किया था, होता क्या हमारा ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी बताए थे, मोनोसोमी, टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, ठीक है, याद आ रहा है 2n+1, ठीक है, ये पूछे थे आपसे कि कौन सा एग्जांपल होगा, तो डाउन सिंड्रोम किस में आता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा हमारा, एक क्रोमोसोम हमारा गायब हो जाएगा, इसको बोलते हैं X0। हम एक एक लाइन में लिख रहे हैं, आप लोगों को एनसीईआरटी आपको काम दे रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, केलिनीफेंटर सिंड्रोम, तीनों एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना, रीड करना आप लोग, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है X0 यानी हमारा एक हमारा करेक्टर गायब हो गया, फीमेल करेक्टर गायब हो गया, तो फीमेल करेक्टर गायब होगा तो फीमेल कैसी हो जाएगी, स्टराइल हो जाएगी, ठीक है, ओवरी छोटी हो जाएगी हमारी, ठीक है, बेबी लेइंग नहीं कर पाएगी, सभी दिया है एनसीईआरटी में छोटे से करके।
ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम लिखना है, इसमें लिखना है सॉरी, टर्नर सिंड्रोम एक्स जीरो, क्लिपेंडर सिंड्रोम क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्स वाई, यानी ट्राइसोमी, यहां भी कैसा हो गया हमारा ट्राइसोमी। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, बस एक लाइन में लिख लेते हैं, फीमेल सोइंग फीमेल करेक्टर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्नाइको मैस्टिया। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्नाइको मैस्टिया बोला जाता है। ठीक है, चलो ये तीनों एक बार एनसीईआरटी, ये हमारा डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा था लिखे, ट्राइसोमी एक में टर्नर सिंड्रोम में गायब हो जाएगा, 22 क्रोमोसोम 21 हो जाते हैं हमारे, क्लिपेंडर सिंड्रोम में एक्स एक्स वाई लिखे हैं, और इसमें कुछ हमारे सिम्टम्स लिखे हैं कि टर्नर सिंड्रोम गायब हो गया, किसी में बढ़ गया, ठीक है, तो कैसे करेक्टर अपीयर होंगे, मेल फीमेल की तरह, मेल फीमेल, ठीक है, स्ट्राइल हो जाएगा, मेल स्ट्राइल हो जाएगा, टेस्टिस नहीं डेवलप होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीजें लिखी गई हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कोई और डिजीज है, ये तीनों डिजीज आपको पूछे जाएंगे, यही मेन है हमारे, और देख लेते हैं कुछ है हमारा, डिग्री हो गई, चलो लगभग हमारे सारे डिजीज कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब वो नहीं पूछेगा, और भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, वो आपके जानने की जरूरत नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा हमारा। ठीक है, सेलेस्मिया फिनाइलक्यूटेनुरिया, एक बार बेटा रुक जाओ मैं देख लूँ, कोई चीज तो अभी छूटा नहीं है, लगभग सारी चीजें हम लोगों की हो गई हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, ये रुक जाओ, पेडिग्री एनालिसिस हो गया, म्यूटेशंस पढ़ी दिए थे हम लोग, जीन म्यूटेशन, हाइपोप्लाइडी, एप्लाइडी, इनप्लाइडी सब। ठीक है, चलो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है, हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं दिया गया है हमारा ऐसा करके कि जीन बैलेंस थियरी, ठीक है, देखना यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, कभी कल पूछा जाता है, देखना, जिसको बोलते हैं हम लोग जीन बैलेंस थियरी, किसने दी थी जीन बैलेंस थियरी, किसने की थी, सी बी ब्रिज ने दिया था, किसने दिया था हमारा, सी बी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, क्या दिया था देखना, उन्होंने क्या लिया था, ऑटोसोम क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम दोनों का रेशियो निकाला था। ठीक है, यहाँ पे ले लिया एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा ले लिया उन्होंने ऑटोसोम क्रोमोसोम, दोनों को डिवाइड कर दिया एक्स बाई ए कर दिया, तो वहां से उन्होंने सेक्स का रेशियो बताया कि सेक्स कैसा प्रेजेंट होगा। उन्होंने लिया कि यदि हमारा पहला ये है, दो एक्स एक्स है और दो ऑटोसोम है, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं एक्स बाई एक्स और ए बाई ए, ठीक है, यानी 2/2=1, यदि x बाई a का रेशियो 1 आ रहा है तो कैसा होगा हमारा, जो भी होगा वो कैसा होगा हमारा, नॉर्मल फीमेल होगा। ठीक है, सेक्स कैसे, इन्होंने इस तरह सेटिस्फाइड किया था जीन बैलेंस को कि x क्रोमोसोम और ऑटो ऑटो जितने थे 22 हमारे ऑटो है उसको साथ में लेके इन्होंने काम कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड क्या किया कि x लिया ऑटोसोम क्या किया इन्होंने 3 ले लिया, यानी 2/3 यानी 0.6, इन्होंने बताया यदि 0.6 आता है x बाई रेशियो का तो बनेगा क्या, इंटरसेक्स बनेगा। ठीक है, थर्ड इन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम x एक ही लिया और ऑटोसोम 2 ले लिया। ठीक है, तो 1/2.5 इन्होंने बोला कि 0.5 आ रहा है तो नॉर्मल मेल बनेगा। फोर्थ की बात करें हम लोग तो यहाँ पे इन्होंने x को बढ़ा लिया और इसको ये कर दिया, तो अब देखो 3/2 1.5, यदि एक्स बाई ए का रेशियो 1.5 आ रहा है तो इन्होंने बताया क्या होगा, सुपर फीमेल। ठीक है, कैसा होगा, सुपर फीमेल। फिफ्थ हमारा था कि एक्स है और ए ले लिया रेशियो, यानी 1/3.3, तो बोला कि सुपर मेल। ये सीबी ब्रिज ने बताया था ऐसा करके। ठीक है, ठीक है, चलो इन्होंने बताया था हमारा मेल व फीमेल कैसे बनेंगे हमारे एक्स बाई ए के रेशियो से, कैसा क्या क्या बनेगा, सीबी ब्रिज जीन बैलेंस थियरी था हमारा कि एक्स एंड ऑटोसोम को दोनों का रेशियो ले लें, 1 आता है तो नॉर्मल फीमेल, 0.6 आता है तो इंटरसेक्स,
0.5 आएगा तो नॉर्मल मेल, 1.5 आएगा तो सुपर फीमेल, और 0.3 आएगा तो सुपर मेल होगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया था सीबी ब्रिज ने जीन बैलेंस थियरी से। ठीक है, चलो इनका कभी कल पूछा जाता है तो हम इन्होंने इस तरह से इसको बता दिए गए। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, कुछ और तो नहीं है। ठीक है, लगभग हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग को आज मिल जाएंगे, नोट भी मिल जाएंगे, टर्नस में ही आएगा। हाँ सही, टर्नस में ही हम लिखे, टर्नस में एक्स जीरो आता है हमारा। ठीक है, टर्नस में सुपर मेल एडवांस, उसके पास करेक्टर बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब सुपर होता है मतलब एडवांस बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा कि सारी चीजें सब कुछ नॉर्मल होगी, उस नॉर्मल मतलब नॉर्मल सुपर, एक होता नॉर्मल एक होता सुपर, कि अरे यार इसको ये दी गई है, मतलब हर चीजें कुदरत ने सही ढंग से दी गई है। ठीक है, सही ढंग से सही प्रॉपर जगह सारी चीजें, उसे बोलते हैं सुपर। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो पूछते चलें। ठीक है, कल हम लोग 10 मिनट का शुरुआत में डाउट रखेंगे, आप लोग जो पूछना है पूछ सकते थे उसमें। ठीक है, पूछिएगा। ठीक है, चलो मिल जाएगा वेट। ठीक है, आज मिल जाएगा बेटा आपको, आज आपको सारे फॉर्मेट तैयार हो गए, बस आपको लिंक भेजना है, आपको सब बच्चों को लिंक मिल जाएंगे जिससे आप काम कर सकते हो अपना। ठीक है, आपको सारी चीजें प्रोवाइड की कर दी जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, हमको लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा जेनेटिक्स चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसी के साथ साथ, ठीक है सर, आपने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी आते हैं। अब बेटा क्वेश्चन तो मेरे को नहीं याद है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अब पीडीएफ हमारे पास नहीं पड़े हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या थे, ठीक है कुछ थे क्वेश्चन हमारे। ठीक है, चलो मैं कल पीडीएफ चेक कर लेता हूँ, अभी 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 क्लास के बाद चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, अभी आज का मैंने क्वेश्चन दिया है। अच्छा, कौन सा बी आता है कहाँ पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया था मैंने, अच्छा ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ये सब। ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, आ सकता है, कोई बात नहीं, चेक कर लो, मेरे को आंसर नहीं याद है। ठीक है, वो चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, बी आ सकता है, मे बी बी आ सकता है। ठीक है, हाँ समझ गया, ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला आप बोल रहे हो ना। ठीक है, सोचती है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आपको आज मिल जाएंगे सारे। अब हम लोग कल जो चैप्टर पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया हम लोग जेनेटिक्स का, अब इसी के साथ हम लोग, ठीक है इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे जस्ट अटैच किए, अब करेक्टर ले कौन जा रहा है। ठीक है, करेक्टर कौन ट्रांसफर कर रहा है उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कि करेक्टर ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कौन ले जा रहा है, तुम्हारा जानते हैं डीएनए हम लोग पढ़े हुए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के एक्सपेरिमेंट किसने की, साइंटिस्ट कौन से थे, आरएनए के एक्सपेरिमेंट किसने की, आरएनए का डायग्राम देखेंगे, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, डीएनए का डायग्राम देखेंगे कि डीएनए कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई डाउट हो तभी टाइम है, पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, मिलते हैं कल अच्छे से। ठीक है, नए नेक्स्ट से, क्यों अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कल मिलेंगे अच्छे से, नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट एनर्जी से। ओके बेटा, ये भी टू लिंकेज जीन क्रॉस विथ वैलिड वैरायटी टीटी दे आर प्रोड्यूस। हाँ हाँ बेटा, देखो ध्यान दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन था हमारा ए, ठीक है इसका आंसर होता है हमारा। ठीक है, देखो टोटल दिया हमारा, निकालना क्या था, वाइल्ड वैरायटी स्मॉल टी एंड दे आर प्रोड्यूस कितना, सर ये क्वेश्चन था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हम लोग क्रोमोसोमल मैपिंग की बात कर रहे थे ना उसमें। चल ठीक है, हमारा दिया है यहाँ पे, हम दिख रहे हैं स्क्रीन पे सबको कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन था हमारा, TA105 TB115 एंड AV9। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और हमारा ये दिया था फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है,
अब ये ठीक है, अब इसमें पूछ रहा था हमारा कि वाइल्ड ने ए बी के बीच में क्रॉस कराए और टू लिंकेज दिया गया है हमारा, ठीक है, टू लिंकेज दिया गया। एक मिनट बेटा, चलो ठीक है। हाँ, अब हमारा दिया ए बी टू लिंकेज जीन क्रॉस विद वाइल्ड वैरायटी टीटी एंड दे आर प्रोड्यूस, ठीक है। हमारा दिया है कि ए से क्रॉस करा रहे हैं और कौन सा हमारा टीटी कैसा दिया हमारा वाइल्ड वैरायटीज का दिया गया है, ठीक है। अब कितने प्रोडक्शन होंगे और कितना प्रोड्यूस करेगा इसकी वाइल्ड वैरायटी का पूछ रहा, दे आर प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो देखो, हमारा क्रॉस करा है इससे और इससे क्रॉस करा रहा है हमारा, ठीक है। ए एंड बी के साथ क्रॉस कराना है टी एंड टी को, तो हमारा क्या बनेगा टी ए एंड टी बी, यही बनेगा हमारा। इन दोनों का देख रहे हैं तो कितना इससे क्रॉस कराएंगे हम लोग, क्रॉस कराएंगे ए एंड बी है हमारा, ठीक है। तो क्रॉस कराए, यहाँ से ए बनेगा और बी बनेगा और यहाँ से टी बनेगा, तो हम जानते हैं दोनों को देख रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से दोनों का रेशियो कितना आ रहा है हमारा टू टू जीरो, कितना आ रहा है हमारा टू टू जीरो, ठीक है। टोटल जोड़ लो, ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं हमारे, ठीक है, यहाँ से 900, ठीक है, 150 प्लस 10 अकॉर्डिंग टू, जोड़ो 5 5 10 8 9 10, ठीक है। हाँ, टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल हमारे पॉपुलेशन कितना दिया हमारा 2000, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है, देखो कुछ करना ही नहीं था, 2000 × 100 फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, तो ये कट गया, ये इधर कटेगा, ठीक है, ऐसे कुछ कटेगा ना, कितना है, एक एक दो 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 है ना, एक सॉरी सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, 200 लिख दिए, 220/2000 × 100 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, कितना आ गया सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये दिया है इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमारी वाइल्ड वैरायटी क्या क्या बनेगी टी ए एंड टी बी, ठीक है, यही बन रही है हमारी। इसका दिया हमारे कितना नंबर दिया 220, दोनों को जोड़ लेंगे अपॉन जिसका पूछा अपॉन सारे पॉल्यूशन कितना दिया है हमारी वैरायटी इंटू 100 कर देंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है, ये दिया है हमारा। ठीक है, और कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर आ गया सबको। हाँ, वो होमवर्क दिया है आपको, वो करना है आपको, ठीक है, कि आपको ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल एक्स लिंक डोमिनेंट एंड रिसेसिव और कुछ पेडिग्री, ठीक है, जैसे क्वेश्चन कोई दे दिया भूल गया हूँ तो आप बता दिया करना, ठीक है। कुछ पेडिग्री आप लोग है बुक से क्वेश्चन ट्राई करना, जो भी बुक होगी आपके पास उससे सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछना, ठीक है, डाउट में, ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म से, ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना, सेहत का ख्याल रखना आप लोग, ठीक है, और पढ़ाई करते रहना अच्छे से, मन लगा के मस्त होकर पढ़ो, ठीक है, साथ साथ चलेंगे अपना काम होगा, ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू।